हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सांभर डोसा की रेसिपी एकदम चेताली स्टाइल आज में। मैं बना रही हूँ सांभर। सांभर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटी घिया, तुरड़ की दाल ली है मैंने, आधी से थोड़ी ज्यादा है, इसे हम हरड़ की दाल भी कहते हैं। एक ड्रमस्टिक, बीन्स, कैप्सिकम, सीताफल, कैरेट, टोमेटो और एक छोटा सा टुकड़ा पीस, छोटा सा पीस इमली का, वो मैंने पानी में सोक कर दिया है। अब मैं हाफ एन आवर के लिए दाल को सॉक करूंगी, पानी में अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के रखूंगी दाल को, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। मैं पहले टोमेटो को चॉप कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये सांभर के लिए जिस कुकर में मैं तुरंत दाल डालूंगी, हरड़ की दाल, डाल दिया मैंने, घिया, बीन्स, कैरेट और ये लहसुन, ये मैंने तीन कली ली है लहसुन की, एक ड्रमस्टिक, कैप्सिकम, ये इमली का मैंने इसको छान लिया है, पल निकाल लिया अच्छे से, ये इमली का पल, और इसमें हम डालेंगे टोमेटो, ये मैंने चॉप कर लिया अच्छे से, और ये पानी। आप इसमें से कोई भी वेजिटेबल स्किप कर सकते हैं, ये जब एक दूसरे में अच्छे से भुनम जाएगी बहुत अच्छा सांभर का टेस्ट आता है। मैं इसमें कोई भी सांभर मसाले का यूज नहीं करूंगी। मैंने छोटी स्पून डाला है, 3 चम्मच। मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, और हल्दी, बस। इसको मैं अब गैस पे रख रही हूँ, तेज फ्लेम पे रखूंगी, एक विसल के बाद 10 मिनट्स के लिए। तब मैंने गैस बंद कर दी थी 8 मिनट बाद, अब इसकी सीटी विसल निकल गई है, अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब अच्छे से एकदम हो गई है, गल गई है सारी सब्जियां, एकदम सही हो गई है। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है सांभर। अब इसमें हम छोक लगाएंगे, इसको हम दूसरी गैस पे रख देते हैं। मैंने 4 चम्मच तेल लिया है, ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से। ये गर्म हो गया है, ये मैंने राई डाली है इसके अंदर, सरसों के दाने थोड़े से, आधी चम्मच पीली मेथी, कड़ी पत्ता, ये मैं रेड चिली भी डालूंगी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। अभी इसे अच्छे से पकने देते हैं, फिर गैस को बंद करते हैं। ये अच्छे से हो गई है, राई की आवाज आ रही है आपको, ये मैंने गैस बंद कर दिया। अब इसे मैं सांभर में डाल दूंगा, सांभर में डालते हैं अच्छे से पकते। देखिए फ्रेंड्स, सांभर एकदम रेडी है हमारी, एकदम रेडी है हमारी सांभर। अब हम आलू मसाला तैयार कर रहे हैं डोसे के लिए। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, राई,
सरसों, कड़ी लीव्स, अनियन, मैंने 3 मीडियम साइज अनियन लिए हैं, बड़ा बड़ा चॉप कर लिया इन्हें। थोड़ा सा मैं फ्लेम को तेज कर रही हूँ। हम इसे पूरा नहीं कुक करेंगे, तो हाफ करेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करिए। हमारे प्याज कुक हो गए हैं, हाफ भी करा है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं गलाए ने, थोड़ी कचकच करता है जो डोसे में तो अच्छा लगता है। अब इसमें हम सभी मसाले डाल देंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर मैंने बहुत ही पिंच पर डाला है, आप उसे थोड़ा अच्छे से डाल सकते हैं, आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो। एक ग्रीन चिली भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो पे ले लेंगे। कुछ सेकंड के लिए भी थोड़ा भून लेते हैं मसाले को। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूं, मैंने 5 स्मॉल पोटैटो लिए हैं ये, और इसको हाथ से ही थोड़ा सा मैश कर लिया। इसको 4-5 मिनट्स के लिए ऐसे चलाते चलाते अच्छे से भून लीजिए। ये अच्छे से भूनेंगे आलू को। मीडियम फ्लेम पे हम 4-5 मिनट्स के लिए मैं इसे अच्छे से भूनने दूंगी, थोड़ा थोड़ा बीच में चलाती रहूंगी। ये हम डोसा बना रहे हैं, मैंने आज MTR का डोसा यूज किया है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि घर में किस तरह यूज करना है। मैंने ये 1 सारा ले लिया, जितना ये बैटर था उतना ही पानी, इसमें जैसे लिखा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालेगा। और आधा भाग, एक भाग MTR का ये लेना है और एक भाग पानी, आधा भाग दही का लेना। मैंने ये हाफ दही, इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर मैं इसका डोसा तैयार करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको घर पे बताऊंगी किस तरह से चावल और उड़द की दाल को सोक करके रखते हैं और डोसे का बैटर तैयार करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी वीडियो में। अब इसको 5 मिनट्स के लिए हमें ढक के रख देना है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से एकदम मिक्स हो गया, इसमें बाकी कुछ नहीं डालेगा नमक वगैरह। अब मैं 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से ढक के रख देती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी घर पे कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम डोसा बना रहे हैं, ये मैंने मीडियम फ्लेम पे नॉनस्टिक तवे को रखा है, ये बैटर डाल दिया, इसको अच्छे से फैला देंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड करके फैला लीजिए। थोड़ी सी फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लीजिए, इसको अच्छे से पक दे दीजिए। बस 1 चम्मच ऑयल अच्छे से चारों तरफ डाल लेंगे। बस अब इसको अच्छे से हम नीचे की साइड से सिकने देंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। ये अच्छे से हो रहा है, ये अभी छोड़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ, कितने अच्छे से उतर के एकदम क्रिस्पी बना है। ये इंस्टेंट वाले अच्छे बनते हैं, बट जो हम घर पे बनाते हैं वो भी सेम ऐसे ही बनता है। आप एक साइड से हल्का ही सेकेंगे, उधर की साइड थोड़ा अच्छा सेकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें। अब इसमें हमने जो डोसे का आलू का मसाला तैयार किया था मैं वो लगा दूंगी। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर ले इस स्टेज पर। मसाला रेड कर लिया। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी डोसा रेडी है।